हेलो फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी है बहुत ही सिंपल और स्वादिष्ट और बच्चे बड़े सभी को पसंद वाली आने वाली ये रेसिपी है और बहुत जल्दी और झटपट से ये बन जाता है। जी हाँ, ये शाम को चाय के साथ स्नैक्स ले या मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट भी आप ले सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट कैसे मैं तैयार करती हूँ और साथ में ये क्रिस्पी भी होता है। जी हाँ, आज हम बनाएंगे स्वादिष्ट बिल्कुल ब्रेड रोल बनाएंगे। और ब्रेड रोल बनाने के लिए मैं कैसे बनाती हूँ और क्या क्या चीज़ें कैसे यूज करती हूँ तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो है 5-6 जो है मैंने बॉयल करके आलू ले लिया है और इसको जो है हम सबसे पहले मैश कर लेते हैं। ये जो है आमचूर पाउडर है तो वो हम पहले आमचूर पाउडर डाल देंगे। और ये जो है लाल मिर्च पाउडर है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पे जो है ये जीरा पाउडर है, बिल्कुल 1/2 टीस्पून है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सारे मसाले और बेसिक मसाले ही हैं। और ये है धनिया पाउडर, वो हम डालेंगे। और प्याज फ्रेंड्स ऑप्शनल, अगर आपको प्याज पसंद नहीं है तो आप प्याज ना डालें। तो मैं थोड़ा प्याज डालती हूँ, काफी इससे अच्छा टेस्ट आता है। और ये रोस्ट मूंगफली है और मूंगफली को रोस्ट करके मैंने इसे अच्छे से जो है तोड़ लिया है, ब्रेक कर लिया है, क्योंकि जो बिल्कुल सॉलिड आते हैं तो बच्चों को या बड़ों को भी मुंह में अच्छे नहीं लगते कभी कभी, तो इसलिए मैंने इसे तोड़ लिया। ये मूंगफली पीनट्स है, इसकी जगह पे आप कुछ और भी ड्राई फ्रूट्स यूज कर सकते हैं, काजू या फिर हरे मटर का आप यूज कर सकते हैं, वो भी काफी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो है मैं मूंगफली इसके अंदर डाल रही हूँ। और यहाँ पे जो है ये जो है धनिया पाउडर पत्ता जो काफी बारीक कटे हुए हैं वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और ये फ्रेंड्स यहाँ पे जो है अदरक है, अदरक को हम थोड़ा सा इसमें घिस के डालेंगे। अदरक जो है हम थोड़ा सा घिस के डालेंगे इसके अंदर। और ये 3-4 जो लहसुन है वो हम डालेंगे इसके अंदर घिस के। पेस्ट से अच्छा है अगर क्रश करके अगर डाला जाता है, घिस के डाला जाता है तो काफी अच्छा है, उसका टेस्ट आता है। हाथों को बचाते हुए ध्यान से ज्यादा नहीं है, 4 लहसुन की कलियां है, पूरा नहीं घिसने के चक्कर में पड़ेंगे नहीं तो आपके हाथ में वो में लग सकती है। अब इन सारी चीजों को जो है हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेना। अब यहां पे जो है 1/2 टीस्पून जो है नमक इसके अंदर डालेंगे और ये थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालेंगे इसके अंदर, स्प्रिंकल करेंगे हल्का सा। इसमें जो है थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, मतलब पीसे हुए जो पाउडर होता है जीरा पाउडर, उसी को मैंने इस पे रोस्ट कर लिया तो वो हम थोड़ा सा डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो ये जरूर भुना हुआ जीरा जरूर डालें। और ये 2-3 हरी मिर्च कटी हुई वो डाल देंगे और इन सब चीजों को अब एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो है यहाँ पे जो है मैंने 6 ब्रेड पीस ले लिए हैं, ये व्हाइट ब्रेड है, अगर आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड का भी यूज कर सकते हैं। तो इसके जो साइड वाले पार्ट जो है ये वाले चारों तरफ से हम जो है निकाल लेंगे। अब जो फ्रेंड्स यहाँ पे करना है कि ये जो है पानी ले लिया है और एक इसको कैसे स्टफ जो है रोल तैयार करेंगे, तो उसके लिए पानी में हमें इस तरह से डिप करना है, एक ही बार बस डिप करना है, ज्यादा नहीं, बस लेना है। और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको हमें इस तरह दबाते हुए स्क्वीज करते हुए निकाल लेना है, इस तरह करते हुए आराम से निकाल लेना ताकि ये ब्रेड जो है टूटे भी ना और इसके जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाए। इसे नरम इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमें इसे फोल्ड करना है, तो हम इस तरह डायरेक्ट ब्रेड में फोल्ड नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये हो गया। अब इसके अंदर जो है हम स्टफ को इस तरह से भरेंगे रोल करते हुए और चारों तरफ से इसे बंद करेंगे।
इस तरह से ये जो है ब्रेड रोल्स जो है हमें तैयार कर लेना है, लेकिन अभी ये तलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं एक चीज और बताती हूँ कि ये क्रिस्पी कैसे होता है। क्रिस्पी एक्चुअली ऐसे होता है कि अभी इसको बना के आप तब तक ऑयल हीट होने के लिए रख देंगे और इसको फैन के नीचे या ऐसे भी नॉर्मल थोड़ा सा इसे मतलब रूम में आप रख सकते हैं, क्योंकि इसके जो ऊपर जो जो ज्यादा मॉइस्चर है वो थोड़ा ड्राई होने के लिए, सेट होने के लिए, क्योंकि तभी जाके वो क्रिस्पी बनता है। तो इसे आप फैन के ब्रेड रोल रेडी करके रख दें, अगर आपके गेस्ट भी अगर आने वाले हैं तो आप बना के इस तरह से रख सकते हो और जब वो आए तो आप गर्मा गर्म इसे जो है डीप फ्राई करके आप सर्व कर सकते हैं। लेकिन इसे जो है ये ब्रेड रोल बनाने के बाद सेम टाइम आप फ्राई नहीं करना, नहीं तो वो क्रिस्पी नहीं बनता है। इसको कम से कम थोड़ा 10-15-20 मिनट जो है इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे, उसके बाद डीप फ्राई करेंगे। अभी हमारा गर्म हो चुका है तो अब जो है ये हम एक एक करके इसके अंदर डालेंगे। एक एक करके हम इसे पलट देंगे। इस तरह से जो है हमारा ब्रेड रोल जो देखिए, इस तरह से बिल्कुल नजदीक से देखिए कितना क्रिस्पी, कितना बढ़िया दिख रहा है। तो अब एक एक करके हम निकाल लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स ये देखिए ब्रेड रोल जो है कितना बढ़िया ये इसका लुक और टेक्सचर आया है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि ये कितना क्रिस्पी बना है। आप इस तरह से देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा ये क्रिस्पी बना है और सारे ऐसे ही बने। तो आप भी जो है इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड्स। और इसे मैं एक तोड़ के दिखाती भी हूँ कि अंदर से कितना ज्यादा यमी और क्रिस्पी बना है, ये बिल्कुल परफेक्ट जो है टेक्सचर के साथ बना है। तो इस तरह से जो है फ्रेंड्स इसे आप रेड चटनी यानी कि रेड टमाटो केचप या सॉस के साथ खा सकते हैं, सर्व कर सकते हैं ये ग्रीन चटनी के साथ। और बच्चे जो है आजकल मेयोनीज भी बहुत पसंद करते हैं तो उसके साथ भी ये सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बड़े हो या बच्चों सबको सभी को ये बहुत पसंद आने वाली ये रेसिपी है। तो आप भी इस रेसिपी को घर पे ट्राई कीजिए, बनाइए और मेरी रेसिपी जो है फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।